सबसे पहले हम बनाएंगे गोभी आलू की सब्जी। सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में डालते हैं मस्टर्ड ऑयल और कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लेते हैं। और इसमें हम मैंने ये गोभी लिया है, गोभी मैंने 200 ग्राम लिया है। गोभी को अच्छे से काट कर साफ़ कर लिया है और छोटे छोटे पीस में ही रखा है। और इसे तेल में अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है जब तक इसके कलर चेंज ना होता हो जाते हैं और ब्राउन कलर हल्के ना हो जाते हैं। और इसे ढककर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब देखिए हमारे गोभी के कलर भी पूरे चेंज हो गए हैं ऑयल में अच्छे से फ्राई कर। और गोभी हमारे बहुत तेल भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो सारे तेल गोभी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारे गोभी पक भी गए हैं। अब थोड़े से और फिर ऑयल डालते हैं। अब फिर इसमें बॉयल किए हुए आलू, मैंने ये दो बॉयल किया हुआ आलू है छोटे छोटे पीस में काट लिया है और इसमें फ्राई कर देते हैं। इससे भी हमारा कलर चेंज कर लेना हमारे आलू को। और सेम आलू को भी एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और गोभी आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब चलते हैं मसाला की तैयारी करते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल सेम लिए हैं 2 टेबल स्पून। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1 तेज़पत्ता हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से क्रश होने देंगे। और फिर इसमें हम 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे। और प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक प्याज के कलर चेंज ना हो जाते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे अदरक लहसुन पेस्ट और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। फिर 1 टमाटर हम डाल देंगे इसमें और टमाटर को भी अच्छे से हमें भून लेना है। और नमक स्वाद अनुसार हमें डालना है, मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे सब्जी मसाला 1 टेबल स्पून। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। फिर इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो चुका है और प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाना चाहिए। अब देखिए अब हम इसमें गोभी अपना डाल देंगे और गोभी के साथ इसे भूनना है जब तक हमारी तलवे पकड़ ना लेते हैं। तो गोभी और हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा पानी। तो मैंने उसमें 1 गिलास पानी डाला हुआ है। और फिर आलू को मैंने हाथों से फोड़ लिया है और फिर इसमें ऐड कर देंगे आलू को भी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हम ढक लेते हैं। अब इसमें ढकने से पहले हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली भी डालेंगे तीखापन लाने के लिए। और इसे अब हम ढक देते हैं और अच्छे से पकने देते हैं कम आंच में। तब देखिए हमारे सब्जी बन गए हैं और कलर भी इसके चेंज हो गए हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके गोभी पके हैं कि नहीं। आलू तो हमारे बॉयल हुए हैं, तो देखिए हमारे गोभी पक भी गए हैं। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें हम धनिया पत्ता की गार्निशिंग कर लेते हैं। तो हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने पूड़ी बनाएंगे हम। तो मसाला पूड़ी हम बनाएंगे, तो 1 कटोरी मैंने आटा लिया है। आटा में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन 1/2 टेबल स्पून। अजवाइन को हाथों में हम क्रश कर लेंगे और इसे फिर डाल देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, ये भी क्रश कर हम हाथों से डाल देंगे इसमें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। तो मसाले में मैंने ये लिया है हल्दी पाउडर थोड़े से और लाल मिर्च पाउडर। इस लाल मिर्च पाउडर में जीरा भी ऐड है। इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी की क्वांटिटी देते हुए आटा गूंद लेंगे, जैसे हम रोटी के डो बनाते हैं उसी टाइप के।
एक सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। और इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता काट कर आटा के साथ अच्छे से गून लेंगे, ताकि हमें पूड़ी में धनिया पत्ता दिखे तो मसाले पूड़ी में तो अच्छे लुक भी आए हमारी पूड़ी का। तो हम एक लोई ले लेते हैं और लोई को हम छोटे छोटे साइज के हम पूड़ी बनाएंगे और सूखी आटा लगा लेते हैं। आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं इसमें। और इसे अच्छे से हम गोल गोल बेल लेंगे पूड़ी, तो हमारे मसाला पूड़ी खाने में वैसे बहुत टेस्टी लगता है। इस बार आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। हम कढ़ाई में अच्छे से ऑयल डालकर हीट कर लेते हैं। ऑयल हमारा हीट हुआ है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं छोटे से लोई दो डालकर। तो ऑयल हमारा हीट हो चुका है, तब हम डाल देते हैं अपने पूड़ी को। और पूड़ी को अपने हम करछी की सहायता से प्रेस करते रहेंगे। तो देखिए हमारे पूड़ी फूल गए हैं, एक साइड फिर पलट लेते हैं हम। तो हमारे मसाला पूड़ी बनकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे मसाला पूड़ी। तो चलिए अब हम चलते हैं दाल के पकोड़े बनाएंगे। तो दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने ये दाल लिया है, उड़द दाल है, मूंग दाल है, चने दाल है, तीनों को भिगो कर मैंने पीसा हुआ है ये। और ददरा पेस्ट बनाया है इसका। तो इसमें हम ऐड करेंगे मिर्च, प्याज और धनिया पत्ता। प्याज मैंने एक लिया है, धनिया पत्ता और दो मिर्च लिया है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये नमक स्वाद अनुसार, तो मैंने हाफ टेबल स्पून नमक लिया है इसमें। फिर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और हमारा इधर ऑयल भी हीट हो चुका है। तो हम हाथों की सहायता से छोटे छोटे पकौड़े अपने डाल लेंगे, दाल के पकौड़े जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ये देखिए हमारे पकौड़े भी बनकर अब रेडी हो गए हैं। हम एक साइड पलट लेते हैं इसको। एक साइड हमारे पकौड़े बन चुके हैं और एक साइड और पका लेते हैं हम। दाल के पकोड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और नहान के टाइम तो ये पकोड़े बनते ही हैं हर घर में, क्योंकि दाल की बड़ी हम लोग भी बनाते हैं तो इसलिए पकोड़े भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में एक निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो गए। अब हम चलते हैं अपने प्लेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये गोभी आलू की सब्जी है जो कि बहुत देखने में टेस्टी है। फिर दही, तो इस त्यौहार में तो दही चूड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग नहान कार्तिक का नहा कर दही चूड़ा सब लोग खाते हैं। और दो पूड़ी मसाले वाली है ये, और ये है पकौड़े दाल के पकौड़े, और एक जलेबी मीठा में। दही है तो हमने मीठा नहीं बनाया है। और फिर हम चूड़ा दही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हमारा थाली बनकर रेडी हो गया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये कार्तिक के नहान रेसिपी कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पूर्णिमा रेसिपी ये। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।